हेलो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है मेटलर्जी से। कुछ एक मेथड्स अपने पास, कुछ प्रोसेस हैं अपने पास जिससे कि हम क्या करते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास पहली जो प्रोसेस है, वो जो पहला मेथड है वो वेन एरकल मेथड है। ठीक है, ये मेथड क्या कहता है कि अपने पास इस मेथड के अंदर हम अल्ट्रा प्योर मेटल निकालते हैं। क्या करते हैं, हम अल्ट्रा प्योर मेटल होता है उसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसको प्रिपेयर करना अपने को इस अल्ट्रा प्योर। अल्ट्रा का मतलब क्या, आपने अल्ट्रा प्योरीफायर सुना होगा। ठीक है, मीन्स जो और अच्छा प्योरीफिकेशन दे दे, और अच्छा प्योरीफाइड मेटल दे दे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे के लिए टाइटेनियम के लिए, टंगस्टन के लिए, अपने पास जिरकोनियम के लिए यूज़ होता है, जो कि अपने पास स्पेस टेक्नोलॉजी में के अंदर यूज़ होते हैं। सारे के सारे जो अपने पास मेटल होते हैं कहाँ पर यूज़ होते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं। इन जो मेथड्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो इम्प्योर जो मेटल होता है पहले उसको हीट किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इम्प्योर मेटल होता है उसको हीट करते हैं। जैसे कि ये अपने पास इम्प्योर मेटल था, सबसे पहले हम इसको हीट करते हैं। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, विद आयोडीन मेटल, किसके साथ, विद आयोडीन। तो आयोडीन के साथ हम इसको क्या करते हैं, पहले तो हीट करते हैं। अब जो मेटल होता है अपने पास, ये मेटल कंबाइन विद आयोडीन, अब जो ये मेटल होता है ये क्या करता है, कंबाइन होता है किसके साथ, इस आयोडीन के साथ, और क्या करता है, एंड प्रोड्यूस वोलेटाइल मेटल आयोडाइड। अब जो ये बनेगा ये कैसा बनता है, वोलेटाइल बनता है। कैसा बनता है, ये वोलेटाइल बन जाता है अपने पास। ये वोलेटाइल बनता है तब ये क्या होता है, एंड इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। और फिर क्या होता है, ये तो वोलेटाइल होता है, इम्प्योरिटी रह जाती हैं बाकी अपने पास। ठीक है, वे रिमूव हो जाती हैं। अब यहाँ से क्या बचता है, जो ये वोलेटाइल होता है ये वाला अपने पास ना, वोलेटाइल मेटल आयोडाइड। अब जो ये वोलेटाइल था अपने पास, इसको दोबारा से हम बहुत ही स्ट्रोंगली हीट करते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है, आई टू विल एस्केप। जो आई टू होती है अपने पास जो गैसेस की फॉर्म में, क्या करते हैं, वो बाहर निकल जाती है और अपने पास टाइटेनियम प्योर मिल जाता है। ठीक है, प्योर मेटल लेफ्ट बिहाइंड, और ये अपने पास मिल जाता है। तो यही थी छोटी सी, तो आपके पास आती है सीबीएसई में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये बार बार इस प्रोसेस का, इस मेथड का यूज़ किया गया है। 2 से 3 मार्क्स के अंदर ये मिल जाती है अपने को। कई बार सिंपल सिंगल स्टेप रिएक्शन दे देते हैं, तो वहाँ पर 1 मार्क्स के अंदर 20 के आने के चांसेस रहते हैं। तो सिंपली क्या था, इसके अंदर इम्प्योर मेटल थी, पहले उसको आयोडीन के साथ मिलाया और उसको गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद उसने एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाया, इम्प्योरिटी अपनी रह जाती है वहीं की वहीं पे अपने पास। ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं उसको रिमूव हो जाती हैं। अब जो वोलेटाइल होता है अपने पास, ये आयोडाइड होता है, इसको फिर से स्ट्रोंगली हीट किया जाता है। 1700 केल्विन पर इसको गर्म कर रखा है, तो यहाँ पर प्योर अपने को टाइटेनियम मिल जाता है और आयोडीन गैसियस की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। अब अपने पास दूसरी जो प्रोसेस है कुछ इसी तरह से है, वो है मोंड प्रोसेस। कौन सी है, मोंड प्रोसेस है। ये यूज़ की जाती है किसके लिए, निकल के लिए। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोंड प्रोसेस किसके लिए यूज़ की जाती है, निकल के लिए यूज़ की जाती है। इसमें पहले इम्प्योर निकल को हीट किया जाता है, किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। देखिए, इम्प्योर निकल था अपने पास, उसको पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट किया, फिर उसने एक कंपाउंड बनाया। ये अपने पास कौन सा कंपाउंड बनता है, टेट्रा कार्बोनाइल निकल कंपाउंड बन जाता है। ये क्या है, टेट्रा कार्बोनाइल निकल कंपाउंड बन जाता है। अब जब ये टेट्रा कार्बोनाइल निकल कंपाउंड होता है, इसको फिर से स्ट्रोंगली हीट किया जाता है। ठीक है, स्ट्रोंगली हीट किया जाता है, फिर उसी की वजह से क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो गैसेस की फॉर्म में बाहर निकल जाती है और अपने पास प्योर निकल मिल जाता है। ठीक है, सिंपल सी 2 प्रोसेस थी। ठीक है, वेन एरकल मेथड और मोंड्स प्रोसेस, ये किसके लिए यूज़ की जाती है, ये निकल के लिए यूज़ की जाती है, और ये बेसिकली किसके लिए, टाइटेनियम है। ठीक है, अपने पास टंगस्टन है, जिरकोनियम के लिए यूज़ की जाती है। दोनों में मेथड में कुछ ऐसा ही था, पहले इम्प्योर मेटल लेते हैं, फिर उनको हम क्या करते हैं, इसमें आयोडीन का यूज़ किया गया था, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ किया गया है, और फिर हम उसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। अब गर्म करने के बाद क्या होता है, पहले तो ये तो यहाँ से एक ये कंपाउंड बना था वोलेटाइल, यहाँ से ये निकल का कार्बोनाइल, टेट्रा निकल कार्बोनाइल कंपाउंड बना लेता है। अब ये टेट्रा निकल कार्बोनाइल कंपाउंड को दोबारा से गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। ठीक है, स्ट्रोंगली हीट। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर प्योर निकल अपने को मिल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर भाग जाती है,
और इसी प्रकार से यहाँ पर भी अपने पास क्या होता है, टाइटेनियम आयोडाइड होता है अपने पास, उसको 1700 केल्विन पर स्ट्रॉन्गली हीट किया जाता है, जिसकी वजह से अपने को टाइटेनियम मिल जाता है और आयोडीन गैस के फॉर्म में बाहर भाग जाती है। ठीक है, तो ये थी दो प्रोसेस।